नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मकर संक्रांति है, 15 जनवरी 2024। तो सबसे पहले हम आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सभी किसान भाइयों पर भगवान सूर्य की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रज रज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आया हूं। बहुत से किसान भाइयों के लगातार क्वेश्चंस हैं कि ब्लाइट कंट्रोल नहीं हो रही। दोस्तों, ब्लाइट न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब में, गुजरात में, बंगाल में और बिहार में, यानी कि पूरे भारत में कहर ढा रही है किसानों की फसलों पर। तो दोस्तों, हालांकि बहुत सारे प्रचलित दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं उसके साथ हैं। जो जर्नल ऑफ फंगाई यानी कि पेपर है, रिसर्च पेपर, उसकी स्टडी कर रहा था, उसमें मैं केवल इसी को, फाइटोफ्थेरा इन्फेस्टेंस को पढ़ रहा था। फाइटोफ्थेरा इन्फेस्टेंस ही लेट ब्लाइट के लिए जो है उत्तरदायी है। दोस्तों, तो फाइटोफ्थेरा इन्फेस्टेंस कैसे कंट्रोल होता है, कब से क्या कर रहा है, इसके बारे में बहुत सारे स्टडी करने के बाद, क्योंकि दोस्तों ये समझ लीजिए आप, बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च पेपर होता है, उसको पढ़ने के बाद, कुछ दो पेज का भी होता है, कुछ चार, कुछ 10-12 पेज का भी होता है, लेकिन फाइटोफ्थेरा इन्फेस्टेंस इतना बड़ा है कि इसके बारे में, और दूसरी बात मार्केट, दोस्तों दवाइयाँ कौन सी उपलब्ध हैं, कौन सी नहीं है, उस बेस पर बहुत मेहनत करने के बाद कुछ शॉर्ट नोट्स आपके लिए मैंने तैयार किया है, जिसको मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अच्छे किसान बनने के लिए, कोई भी काम बढ़िया तरह से करने के लिए, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो कुछ कहते हैं कि ये पढ़े लिखे के लिए, तो मैं तो दोस्तों पढ़े लिखे किसानों के लिए ही आया हूँ, और बिना पढ़े लिखे संभव नहीं है। आपके परिवार में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो समझ सकता है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स बहुत बलिवान समझते हैं, एक्चुअली ये सब चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सिंपली आपको मैं दवाइयों के नाम बता दूं तो आप आगे उस चीज़ को सही तरीके से न तो प्रयोग में ला सकते हैं, न पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा सा आपके सामने शॉर्ट में बताना मैं चाहूँगा। तो ये रिपोर्ट जो छपी थी दोस्तों, 13 दिसंबर 2021 को पब्लिकेशन हुई थी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में, उस रिपोर्ट के। और ये जो लेट ब्लाइट के लिए कारक है, लेट ब्लाइट ही ऐसी है जो दोस्तों बहुत जल्दी फसल को ख़त्म कर देती है। टॉपिक था दोस्तों, वो था एन ओवरव्यू ऑफ मेथड एंड अटेम्प्ट टू कम्बेट लेट ब्लाइट। इस टॉपिक को मैंने स्टडी किया है। आलू की जो फैमिली है वो सोलेनम है, तो सोलेनम फैमिली में आलू और टमाटर दोनों आते हैं, सोलेनम ट्यूबरेसम एंड टमाटर सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ये दोनों में ही कोई बड़ी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। 20 साल से लेट ब्लाइट के विरुद्ध किए गए संघर्ष की स्टडी करने के बाद ये पेपर लिखा है। दोस्तों, राइटर्स की तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो हैं, एक तो इसको किस तरह फाइट जब हम अगेंस्ट लेट ब्लाइट के करते हैं, लेट ब्लाइट के विरुद्ध हम जो उपचार के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, उसमें जो टॉपिक लिए गए हैं, इसमें एक तो फंगिसाइड, जो हम सब जो है मुख्य रूप से फंगिसाइड के प्रयोग से लेट ब्लाइट को कंट्रोल करते हैं। आर जीन बेस्ड रेजिस्टेंस ऑफ पोटैटो, यानी कि इसके आगे वेराइटी जब हम डेवलप करें उसमें इस ये नहीं आए, इस पर भी रिसर्च हो रही है इसमें। दूसरा, आरएनए इंटरफ्रेंस अप्रोचेज, यानी कि आरएनए जैसे अपने आप से बदल लेता है अपने आप को, तो उस पर भी इसकी रिसर्च की गई है। और दूसरी जानकारियां जिससे हम इसको रोक सकते हैं, चार टॉपिक हैं। तो 150 सालों से पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाला जो ये फंगस है वो है फाइटोफ्थेरा इन्फेस्टेंस। दोस्तों, ये इसके रोकने में जो हमें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा, जो ड्रॉबैक्स हैं उनकी बात करें तो वो वही, पहली बात तो हाई कॉस्ट, जो ऊंची कीमत है इनकी। दूसरा, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रचलन चल रहा है, या जो डीमेरिट्स हैं फंगिसाइड्स के आदमी के शरीर पर और जो मित्र कीट है उनके शरीर पर, उसको कम करने के लिए कुछ रसायनों का प्रतिबंध हो जाना भी इसको रोकने में परेशानी का कारक बन रहा है। दूसरा, इकोसिस्टम को और जो ह्यूमन हेल्थ को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको भी हम स्प्रे नहीं कर सकते, इसकी वजह से भी इसको रोकने में दिक्कत आ रही है।
दूसरी बात, अगली बात यह है कि ये रेजिस्टेंस कर लेता अपने अंदर फंगस। हम बार बार एक ही फंगिसाइड का स्प्रे करते रहते हैं तो अपने अंदर ये प्रतिरोध क्षमता रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेता है, तो उस फंगिसाइड से, हल्के फंगिसाइड से मरता नहीं है, ये भी एक परेशानी है। तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस तेजी से ये क्या करता है, म्यूटेटिंग करता है, यानी कि अपने आप को बहुत तेजी से बढ़ाता है। ये सेक्सुअल डिवीजन और असेक्सुअल डिवीजन दोनों तरह से मल्टीपल होता है, तो बहुत तेजी से ये बढ़ करके फसल को जो है खत्म कर देता है। इसके पोटैटो के अंदर, यानी होस्ट क्या है इसका, होस्ट तो सोलेरम फैमिली यानी पोटैटो और टोमेटो है, उसके अंदर जाकर उसके जो राइबोसोमल जीन है उससे म्यूटेट कर लेता है, उसके उसमें अंदर चला जाता है, जुड़ जाता है कह सकते हैं इसको। तो इसको कंट्रोल करने में इसीलिए समस्या आती है बाहर से दोस्तों। तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड जब ये अंदर चला गया और इसके जीन में चला गया तो ये आगे भी सर्वाइव करेगा, यानी दूसरी बार हम इस बीज को प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे भी जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है, और बाहर से हम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड देंगे तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो संभवतः नई आरएनए रेफरेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी के बाद ये इसका हम जो है इसके होस्ट पर हम उसका प्रयोग करके और इसके आगे के प्रोग्राम को रोक सकते हैं, बढ़ने के प्रोग्राम को हम रोक सकते हैं। तो उस पर भी काम हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, और इसका हमें, लेकिन यहाँ जो फंगिसाइड हम प्रयोग करते हैं उसमें हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली फंगिसाइड का ही प्रयोग करना है, इस बात का भी ध्यान रखा गया है दोस्तों। तो इसमें हमने कौन कौन से फंगिसाइड प्रयोग करने चाहिए और किस फंगिसाइड का क्या रोल है उसकी अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों, इसमें सब कॉपर बेस्ड फंगिसाइड हमें यूज करने चाहिए। कॉपर बेस्ड फंगिसाइड का प्रयोग हम, ये जो हो रहा है 19वीं शताब्दी से इसमें कॉपर बेस्ड, और दूसरा दोस्तों बोरेक्स मिक्सचर, बोरेक्स मिक्सचर यानी या जो बोर्डो मिक्सचर के नाम से जानते हैं हम, उसका प्रयोग बहुत पहले से हो रहा है और आज भी ये प्रयोग कारगर है, जिसके बारे में हम पहले भी कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो ये भी इस पर कारगर है। सामान्य तौर पर वर्तमान में फंगिसाइड के एक्शन के अनुसार तो जो कॉमन तरीका हम अपनाते हैं इसको रोकने के लिए वो है दोस्तों प्रोटेक्टिव फंगिसाइड का यूज करना। तो प्रोटेक्टिव फंगिसाइड जो हम स्प्रे करते आ रहे हैं शुरू से, वो केवल इसके इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, यानी कि इन्फेक्शन ना आए उसके लिए हमने प्रोटेक्टिव फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया। तो ये केवल इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, लेकिन ये अगर रोगी पौधा पहले से है या अगर इस जिसके राइबोसोम के अंदर इस होस्ट जो होता है सोलेनम यानी आलू होस्ट है, उसके राइबोसोम के अंदर अगर फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस का जीन में पहले से चला गया है तो उसको इस प्रिवेंटिव फंगिसाइड के स्प्रे से नहीं रोका जा सकता। इस वजह से हम जो है कई बार प्रयोग करने के बाद भी फेल हो रहे हैं। दूसरा जो तरीका है वो है एंटीस्पोरोलेंट्स। एंटीस्पोरोलेंट्स फंगिसाइड हम प्रयोग करते हैं, ये इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकता है। तो अब कौन कौन से फंगिसाइड प्रयोग करें उनके नाम भी मैं बाद में लूंगा। ये क्या करेगा, केवल अगर इन्फेक्शन कहीं आ गया है तो उसको वहीं कोई स्टॉप कर देगा, स्पोर्स हैं उनको मार नहीं सकता है। तो इसका जो प्रयोग है केवल एक लिमिटेड दायरे में है, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें फसल की सुरक्षा के साथ साथ अपने ट्यूबर की भी सुरक्षा करनी है। हमें ध्यान ये भी रखना है कि ट्यूबर को आगे हमें बढ़ाना भी है, फुलाना भी है, न कि केवल उसको हमें तो फंगिसाइड मारने, फंगस को मारने से मतलब है हमारा ट्यूबर भले या न बने, तो हमें अपनी फसल की भी सुरक्षा करनी है। इसलिए हमें जो एक्शन है वो अलग अलग तरीके से यूज करने पड़ते हैं। अगला जो एक्शन है दोस्तों वो है ट्रांसलेबिनार फंगिसाइड का स्प्रे करना। ट्रांसलेबिनार फंगिसाइड्स क्या होते हैं, जो पत्ती के अंदर घुस करके पूरे में तुरंत, और वहां पर अगर स्पोर्ट्स प्रारंभिक अवस्था में है तो उसको वो मार देते हैं, ये काम करते हैं, तो पूरे पत्ती के अंदर फैलते हैं ये दो। अगला जो फंगिसाइड है वो ये तरीका बता रहा हूँ मैं, पहले हमारे जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लिया, फिर हमने कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक लिया लेकिन हल्का फंगिसाइड लिया, फिर हमने एक ट्रांसमिलेनार फंगिसाइड लिया, फिर उसके बाद हम लेंगे सिस्टमिक और स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड, तो वो जो है वो है आपके क्यूरेटिव फंगिसाइड। क्यूरेटिव एक लिमिटेड दायरे में ये उसको उपचार में काम करता है और इसका जो है इन्फेक्शन को बढ़ने से ये रोक देता है, यानी कि अगर प्रारंभिक दौर में इसका स्पोर्ट्स है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस का तो उसके स्पोर्ट्स को ये मार सकता है। तो दोस्तों अब ये जो सिस्टमिक फंगिसाइड्स होते हैं वो होस्ट के
होस्ट यानी कि आपका टमाटो प्लांट जो या पोटैटो प्लांट जो भी है सोलेनम फैमिली का, उसके तने के अंदर जा करके उसके वास्कुलर सिस्टम है संबंधी ऊतक जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम का काम है बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, यानी कि आपके ट्यूबर्स तक पहुंचाना, ट्यूबर को फुलाना, और जाइलम का काम है नीचे से जो आपके मिनरल्स हैं उसको लेकर के और पौधे की पत्तियों तक पहुंचाना जहां पर भोजन बन रहा है। तो ये उसमें अंदर चला जाएंगे सिस्टमिक फंगिसाइड और जाकर के उसके जो अंदर स्पोर्ट्स अंदर हैं, न कि आरएनए में नहीं, अंदर जो स्पोर्ट्स पहुंचे हैं उस कंडीशन में उसको ये मार देगा दोस्तों। तो आपका ये काफी हद तक ये, अब इसमें कौन कौन से फंगिसाइड्स का प्रयोग हम करते आए हैं और करना चाहिए दोस्तों। तो इसमें जो मेटालेक्सिल का काम क्या है कि ये इसके राइबोसोमल आरएनए के में सिंथेसिस उससे जुड़ने को रोकता है, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है और हम अभी आज भी इसका मेटालेक्सिल का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा दोस्तों, पौधे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है। जो आप लोग बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि मेटालेक्सिल के प्रयोग से क्या आलू की बढ़वार यानी ट्यूबर का बढ़ना रुक जाता है, हाँ दोस्तों कुछ समय के लिए रुक जाता है, क्योंकि कोई भी काम को रोकने के बाद दोबारा स्टार्ट होने में समय लगता है। हालांकि 24 से 48 घंटे तक उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करता है, लेकिन बाद में उसकी सुचारू रूप से चालू होने में थोड़ा समय तो लगता है, तो एक हफ्ते तक का समय लग जाता है। तो आप समझ लीजिए आपकी फसल एक हफ्ता लेट हो गई। अब इसमें कितना फर्क पड़ता है वो मौसम, एनवायरनमेंट और बहुत सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है दोस्तों। अब इसी रिसर्च पेपर में ये लिखा है कि मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर कंट्रोल मेथड इज कंप्लीट डिजीज टू बी अचीव थ्रू कंपेंसेशन इन्वॉल्विंग रेगुलर ट्रीटमेंट विद द मिक्सचर ऑफ प्रोटेक्टिव एंड सिस्टमिक फंगिसाइड। मतलब इसका अगर पूरी तरह से इलाज करना है तो हमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और आपका सिस्टमिक फंगिसाइड ट्रांसमिलेटर वगैरह सबका एक रेगुलर इंटरवल पर स्प्रे करता रहना पड़ेगा दोस्तों। और एक बात और मैं बता दूं, शुरुआत से प्रोटेक्टिव, फिर आपके जो आपके हम करते आ रहे हैं ट्रांसमिलेटर, और उसके बाद सिस्टमिक फंगिसाइड का सिस्टम से अगर हमने प्रयोग किया है तो ये रोग आएगा ही नहीं। तो यही मेरा कहना था, लेकिन अब जब आ गया है उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, ये जो लेट ब्लाइट है इसको रोके और उसका दूसरे के प्रभाव को कम करे और हमें ट्यूबर्स को बचाए, ऐसे फंगिसाइड्स का चुनाव करना है। इसमें जो दोस्तों बहुत मुश्किल काम है ये सब चीज़ों को एक साथ करना, लेकिन जो डिफ़िकल्टी है उसमें इसी यही डिफ़िकल्टी है कि अगर हम पैथोजेंस को रोकते हैं यानी कि ब्लाइट को के पैथोजन को मारते हैं तो इसकी जो हमारा ट्यूबर्स है उसकी बढ़वार में कमी आ जाएगी, तो हमें तरीके से चलना होगा। लेकिन जब फसल पर पूरी तरह से प्रकोप बढ़ गया है तो पहला काम हमारा पैथोजेंस को मारना ही रहता है दोस्तों। और इसमें कॉस्ट तो बढ़ी रही है, लेकिन सब इसका जो मेटालेक्सिल का प्रयोग हो रहा है वो 1979 से प्रयोग हो रहा है दोस्तों, और सबसे पहले इसका प्रयोग यूरोप में शुरू हुआ था। अब इसके साथ हमें कौन कौन से फंगिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि अब इसका जब आ गया है रोग, भयंकर ब्लाइट आ चुकी है, तो इसको कैसे रोकें, इसका हमें अब सिस्टमेट तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले आप ने शुरुआत में जहां तक है लोगों ने मैंगोजिब का स्प्रे करते ही किया होगा, तो मैंगोजिब प्लस कार्बोनाइजिम का स्प्रे हमें शुरुआती दिनों में करना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जरूर करना चाहिए दोस्तों, मैं बार बार ये बात कहता आया हूं। अब रोग अगर सिस्टम से चल रहे हैं उसके बाद आप एक थोड़ा सा हैवी सिस्टमिक और ट्रांसमिलेनर फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे तो रोग नहीं आएगा। अब बात करते हैं रोग आ चुका है अब क्या करें। अब रोग आ गया है तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके ट्यूबर्स के फॉर्मेशन और ट्यूबर्स के मोटा होने की जो दर है वो कम तो होगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली फंगिसाइड्स हैं वो जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो एक तो है दोस्तों फ्लुएजेनम जो है, इसमें इसका ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से हो सकता है प्रतिबंधित भी हो, ये इसको मैंने नहीं देखा, मैं एक्चुअली रिसर्च पेपर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सिंजेंटा का ओमेगा 500F इसमें ये जो है आता है। दूसरा अगर इसके डेरिवेटिव्स जरूर आपको मिल जाएंगे, तो ये अगर आपको मिल जाता है तो इसको आपको लेना है। अगर इसको किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है वो भी मैं बात करूंगा।
सिंजेंटा के रिवर्स में 23.4% मैंडी, इसका था मैंडी प्रोपामाइड के साथ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें इसका जो प्रयोग है वो 0.8 ml से 1 ml पर लीटर में, यानी 150 से लेकर के 200 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे हम कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। दूसरा डाइमेथोमार्फ आ रहा है, डाइमेथोमार्फ 50% में, एक तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में अगर हम लेंगे तो बासप का एक्रोबेट में इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है, बासप के एक्रोबेट में दोस्तों ये जो है डाइमेथोमार्फ के साथ में और भी दूसरा कॉम्बिनेशन भी है, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। मेटालेक्सेल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ में, यानी इनसे कॉम्बिनेशन वाले आपको फंगिसाइड ही लेने हैं। अब जो है बासप का अगर एक्रोबेट लेते हैं तो इसके साथ इसको 200 ग्राम प्रति एकड़ वो ले लें, और इसके साथ आप चाहे तो मैंगोजेब भी साथ में प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो इसका एक कॉम्बिनेशन बना करके अगर मैंगोजेब पहले यूज नहीं किया है आपने, तो आप मैंगोजेब 750 ग्राम लेकर के उसके साथ डाइमेथोमार्फ 200 ग्राम मिला करके आप इसको स्प्रे कर दें, और एक अच्छा इंसेक्टिसाइड और अलग से आप इसमें ले सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसे गुण भी हैं, डाइमेथोमार्फ में भी गुण हैं और आपके फ्लुएजिनम में भी ऐसे गुण हैं जो इंसेक्ट को मारते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा इंसेक्टिसाइड इसके साथ स्प्रे कर सकते हैं। बेहतर अगर आपको रिजल्ट लेना है, अगर आपकी ब्लाइट नहीं रुक रही है, तो सबसे पहले इन फंगिसाइड्स का प्रयोग करें, और उसके बाद एक स्प्रे आप इंसेक्टिसाइड का करें, और उसके बाद एक स्प्रे आप कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक का भी कर दें, तो निश्चित रूप से आपकी अगर नहीं रुक रही है ब्लाइट तो भी रुक जाएगी दोस्तों। अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो एक मैं आपको बता दूं, एक बार इसका कोई भी अच्छे फंगिसाइड का आपने स्प्रे किया है तो उसके तुरंत 3-4 दिन बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दें, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के बाद एक वैलरामाइसिन या कोई भी कासुकामाइसिन ले लें, कोई भी एक एंटीबायोटिक का स्प्रे कर दें, तो आपकी ब्लाइट रुक जाएगी, ये गारंटी है। अगर कोई आपको ट्यूबर्स बाकी का कॉम्बिनेशन भी है, अब कुछ लोग कॉपर भी मिलवाने की बात कर रहे हैं, कि मुझसे बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं, तो इसमें जो है कॉपर भी थोड़ा सा आप मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा और बढ़िया यही रहेगा कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप अलग से स्प्रे करें दोस्तों, इसके साथ न मिलाएं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को, तो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। ब्लाइट रुक सकती है लेकिन ट्यूबर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है सारी चीज़ों को मिला करके एक साथ स्प्रे करने से, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर क्या करना है। अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, फिर से आप नोट कर लीजिए, 750 ग्राम मैंगोजेब, इसके साथ डाइमेथोमार्फ 50% 200 ग्राम लेकर के आप स्प्रे कर दें पहली बार, उसके बाद एक अच्छा सा या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दें, और या कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, दोनों में से एक स्प्रे करना है। अगर चाहे तो उसमें भी कॉम्बिनेशन में आप 50 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप अलग से स्प्रे करें, और उसके बाद एक एंटीबायोटिक का एक अलग से स्प्रे कर दें, तो आपकी ब्लाइट रुक जाएगी, और ब्लाइट जब रुक जाए अच्छी तरह से तब और मौसम खुल जाए तो उसके बाद आपको स्प्रे करना है जो है माइक्रोन्यूट्रेंट्स का, और उसके साथ कोई भी एक जो है सीवेड वगैरह या बायोबीटा या सागर का कोई भी सीवेड, अच्छा सीवेड या जो आपके नेचुरल मिनरल्स से के वाले जो टॉनिक आते हैं उसको भी आप लेकर के स्प्रे कर सकते हैं, तो आपकी फसल पुनः अच्छी हरी भरी होकर के और अच्छे पैदावार दे सकती है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों को जरूर शेयर कीजिएगा, सभी को लाभ मिले ऐसी मेरी इच्छा है दोस्तों, और नए किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।